शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय सीईओ ajayastromoneyguru.com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 अक्टूबर सन 2021 सोमवार। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, एग्रो कमोडिटीज के ऊपर क्या संभावना है, राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, याद रखिए शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, एग्रो जीन्स हो या फिर बेस मेटल या फिर सोना चांदी, आपका मुनाफा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, आज आपके लिए दिन विशेष सावधानी रखने का है, अन्यथा बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। 2 से 3 बजे के बीच में वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, बड़े निवेश पे फोकस करो, मुनाफा मिल सकता है, लेकिन छोटी अवधि के लिए 12 से 1 बजे के बीच में अवॉइड करें कोई बड़ी ट्रेडिंग। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि हैं, तेज निर्णय आपकी शक्ति और आपका गुण है, आज लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में जल्दबाजी ना करें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, बड़ा मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो एक बार पुनः जांच कर लें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा गवार सीड में हमने आपको विशेष इंटरव्यू के अंदर तेजी की बात कही थी, आज हम गवार सीड के अंदर पुनः दोहराते हैं कि इसमें तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। एक और विशेष बात, गवार सीड का उत्पादन की लगातार बड़ी कमी की सूचनाएं मिल रही हैं और किसान भी इस बार थोड़ा रोक कर माल बेचने के मूड में हैं, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है मंडियों तक गवार सीड तक पहुंचाने का, अतः गवार सीड के लिए आने वाले कुछ समय के अंदर विशेष हलचल मचेगी। हमारे विशेष एपिसोड्स को आगे देखते रहिए, आप व्यक्तिगत भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपास, कॉटन एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो कि भारत इसका बड़ा निर्यातक भी है, लेकिन इस साल बेमौसम की बरसात या मौसम अधिक बरसात कपास की फसलों को बड़े नुकसान की सूचनाएं अलग अलग प्रांत से मिल रही हैं। कपास के अंदर आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर विशेष हलचल बनेगी, इसकी लगातार अपडेट हम दे रहे हैं आपको, आगे भी हम लगातार देते रहेंगे। कपास के अंदर आप गौरतलब है कि सितंबर माह के अंदर एक तरफा बड़ी तेजी ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, जो लगभग 25% है। दोस्तों, कपास बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए और पंजाब के लिए। इसके आता है कपास के ऊपर भी विशेष प्रोग्राम हमारा इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध है, उसको देखना ना भूलें। प्याज में दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको सितंबर लगते ही आपको कहा था कि प्याज के अंदर बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, और 600, 500 और 700 रुपये का जो प्याज था क्विंटल का, आज 4000 से ऊपर बिक रहा है। प्याज में लगातार तेज़ी जारी रह सकती है, इसका अग्रिम अनुमान हमने आपको लगातार 1 महीने से पहले दिया है। गवार सीड, सरसों, सोयाबीन, कॉटन, कपास पर विशेष रिपोर्ट हमारे इसी चैनल पर देखते रहिए और या संपर्क भी कर सकते हैं। कमोडिटी वॉच, दोस्तों आपको याद होगा कॉपर के ऊपर हमने तेजी की बात कही थी और कॉपर ने 711 से 810 रुपये, 808 रुपये तक का एक तरफा ऐसी छलांग लगाई जिसने सभी बेस मेटल विशेषज्ञों को चमत्कृत कर दिया। आज भी कॉपर के अंदर तेजी की संभावनाएं जारी रह सकती है। एक विशेष अलर्ट, आज चांदी में बनने वाली है एक विशेष हलचल, क्या वो तेजी की होगी या मंदी की, हमारे अगले एपिसोड्स को बिल्कुल ध्यान से देखना ना भूलें। शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर पावर सेक्टर के ऊपर अभी भी मैं मजबूती जारी रहने की संभावना व्यक्त करता हूं। केमिकल स्टॉक्स के अंदर भी तेजी रहने की संभावना व्यक्त करता हूं। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के ऊपर भी संभावतः तेजी रह सकती है। दोस्तों, पावर सेक्टर के, चाहे वो पावर ग्रिड हो, IEX हो, NTPC हो, टाटा पावर हो, इसको लगातार हम तेजी की बात कर रहे हैं और जबरदस्त तेजी बाजारों के अंदर लगातार दर्ज हो रही है। उम्मीद है कि इसमें आपको भरपूर लाभ उठाया होगा। इसके अतिरिक्त बेस मेटल, चाहे वो वेदांता हो, हिंडालको हो, हिंदुस्तान जिंक हो, ये भी जबरदस्त तेजी, हिंदुस्तान कॉपर हो, जबरदस्त तेजी लगातार दर्ज हुई है और लगातार हमने इसको अग्रिम भी एडवांस में भी बोला है कि रखिए नज़र इनके ऊपर, क्योंकि पावर का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको बिजली का संकट पूरे विश्व के अंदर धीरे धीरे गहराता जा रहा है।
अलग अलग राज्यों से पावर संकट की सूचनाएं भी मिल रही हैं। तो ऐसे समय के अंदर बिजली क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखना बिल्कुल व्यवहारिक है। इनके ऊपर नज़र रखिए, ये तेजी जारी रह सकती है। नज़र रखिए आप वेदांता पे, नज़र इंडालको पे नज़र रखिए, हिंदुस्तान जिंक पे नज़र रखिए, टाटा पावर पर भी नज़र रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन की कंपनी, इसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। IEX पर भी आज नज़र रखनी उचित रहेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अडानी पावर के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। ये सभी शेयर्स अल्प अवधि यानी मध्यम अवधि के लिए है। इसके अंदर लंबी अवधि के निवेशकों को अभी इसमें निवेश करने से रोकना चाहिए। छोटी अवधि के लिए जो ट्रेडर है वो इस पर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके ऊपर अपनी राय अवश्य दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। गौरतलब है कि हम ये सभी जानकारियाँ रिसर्च आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपसे शेयर कर रहे हैं। लाभ हानि या नफा नुकसान किसी भी प्रकार का ना तो चैनल या मेरा स्वयं का इसके अंदर कोई भागीदारी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।